अब क्या है? खोल गया। हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं क्या करें? आज हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन है 9.1 का, तो फटाफट से पढ़ते हैं एनसीईआरटी वाला क्या बोलता है। वो बोलता है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है, पतंग है, वो ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे ऊपर उड़ रहा है ना, ऐसे ठीक है। खैर, तो द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइट एट टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड पे पॉइंट है, ठीक है, वो काइट पे धागा होगा, वो धागा कहां, यहां सी पॉइंट पे बांध दिया ग्राउंड पे, ठीक है। फिर आगे बोलता है द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो ग्राउंड पे धागा, जो ग्राउंड पे एंगल बना रहा है, ये धागा होगा, ये ग्राउंड होगा, ये कितना है हमारा 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग तो अब आपको धागे की लेंथ बतानी है, मतलब ये आपको एसी बताना है धागा कितना लंबा है। और अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, अज्यूम करना है कोई भी गार्ड नहीं है, ऐसे ढीला नहीं है, सीधा स्ट्रेट है, ठीक है, कोई गार्ड नहीं सुनता, ठीक है, तो प्रॉपर ऐसे स्ट्रेट है, ठीक है। तो बात करते हैं कि हम इसके धागे की लेंथ कैसे निकालेंगे। एसी निकालना है, देखो अगर बात करें, ये ट्रायंगल है ना, ये परपेंडिकुलर गिवन है, और हाइपोटेन्यूस निकालना है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस निकालना है, पीएच कौन सा बताओ, पीएच हम कौन सा रेशो यहां यूज करें, पी और एच, साइन थीटा, जी हां। तो सिंपल सॉल्यूशन खत्म हो गया, सॉल्यूशन तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी यूजिंग साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूस, समझ आ रहा है? क्यों लगा रहे, क्योंकि हाइपोटेन्यूस निकालना है और परपेंडिकुलर दिए हुए, साइन लगाएंगे भाई, ठीक है। अच्छा, थीटा कितना है बोलो भैया? थीटा है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? एबी। एच हाइपोटेन्यूस कितना है? एसी। वैल्यू पुट करो, साइन 60 की वैल्यू √3/2। एबी, एबी है 60 मीटर, एसी, एसी तो भैया निकालना ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये एसी √3 हो जाएगा, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 60 से, 260 / 120, √3 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, यहां करते हैं इसको, तो जो एसी आएगा वो आएगा 120/√3। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट की वैल्यू तो नहीं होती, तो 120/√3 आएगा 120√3, ठीक है, √3/√3 है ना, सेम का रूट होता है वो मल्टीप्लाई में कट जाता है, √3/√3, ये 3 पे काटा कितने पे, 4 पे ना, 4 पे जाएगा। क्या कर रहा हूँ, क्या करते हैं तो भैया, आपकी लगता है कैलकुलेशन थोड़ी स्लो है, कोई बात नहीं, गलती जाती थोड़ी, तो 40 आया है, 40 पे कटेगा, 4 × 12, तो ये आ गया 40√3 मीटर। लो, एसी आ गया 40√3 मीटर, मतलब कि ये जो है हमारा, ये कितना है √3 मीटर, ठीक है। यहां लिख रहा हूं देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर, है कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल हो गया, समझ आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो मर्जी आपकी है। चलो, तो हम आशा करते हैं आपको समझ आया है, समझ आया ऊंची बात है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय। क्या होता है कि ये यार थोड़ी बड़ी होगी है, और ये थोड़ा मेरे को परेशानी मिलती रहती है, कोई बात नहीं, वो सेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो बाय बाय।